बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार अल्लाह को पढ़ लें। एक भाईजान है, इनकी मैं पिक्चर्स आपको शो कर रहा हूँ और इनकी बात भी आप सुन लीजिएगा। फिलहाल में ख्याल है, ठीक है। अच्छा फिलहाल में हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि साबुन फट जाता है, जिस तरह आपको ये दिखाया अभी भेजी ना तस्वीर, तो ये साबुन फट जाता है, 2-3 दिन यूज़ करते हैं तो ये क्रैक्स आ जाते हैं इस तरह ना। इसकी कंप्लेन आ रही थी मार्केट से, मैं तो फिर थोड़ा ना समझ नहीं आ रही कि क्या करें, आप ज़रा रहनुमाई कर देना तो बहुत आसान होगा। इसमें भैया हम बी ग्रेड की नूडल यूज़ कर रहे हैं और नूडल में जो डाल रहे हैं फार्मुलेशन जो है हमारी ये इसमें कस्टराइज 200 ग्राम है और SLS जो है वो है 70 ग्राम, और इसी तरह टैल्कम पाउडर जो है वो 500 ग्राम है और सिलिकेट 4 किलो है, और इसमें कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं 50 ग्राम, पीजी भी डाल रहे हैं इसमें ना 50 ग्राम 40 ग्राम, लेकिन फिर भी नहीं कोई मसला हल हो रहा, तो इसका ज़रा रहनुमाई कर देना। अच्छा, आपने इनकी बात सुन ली। इस सेम वो कॉमन मसला, अब सर्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो रही है तो ये अप्रॉक्सीमेटली सब दोस्तों के जो क्रैक्स वाले मसले हैं ये तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे। एनी हाउ, मैं एक बार दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ और इसमें इनकी गलती भी है वो भी नोटिफाई कर देता हूँ, अगर किसी और दोस्त की हो तो वो भी अपने आप कवर कर ले। एक तो ये कि इन्होंने जो कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल डाला है वो प्लीज़ ना डालिए आप लोग भी, और ये भी ना डालें। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो रिंसिडिटी क्रिएट करती है, बदबू पैदा हो जाती है, खुशबू आपकी जो है कम करना शुरू कर देती है। दूसरी बात, इन्होंने SLS डाली हुई है, ये प्लीज़ जो है ना ये बड़ा मसला जो है वो है कि SLS जो है वो सर्फ की आइटम है, वो ब्यूटी सोप बाथ सोप की आइटम नहीं है। जो बाथ सोप के लिए SLES इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम कमर्शियल नेम में शैम्पू बेस कहते हैं। और इसके अलावा इनका जो फटने वाला मसला, वो क्योंकि अभी ये फिलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 500 कर रहे हैं टलकम, वो सिर्फ कलर सोप पे कर लें, लेकिन कलर सोप के अलावा जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना आपका जो वाइट कलर है वो जो वो डल डल हो जाए। अभी इनका हम 4 किलो डाल रहे हैं सिलिकेट, तो ये ज़रा प्लीज़ मेहरबानी करें कि कम अज़ कम जो सर्दी सर्दी है ना, ये जो फिलर है ये मतलब 10% जो सिलिकेट से ऊपर इस्तेमाल ना करें। फटने के अलावा लोग जो मेजर कंप्लेन करेंगे वो ये करेंगे ये खुलता नहीं है, झाग क्रिएट नहीं करता, तो इसकी ज़रा शफकत करें, कोशिश करें कि ये जो है सिलिकेट जो है वो कम इस्तेमाल करें, और कम अज़ कम 2.5 kg, सॉरी मैक्सिमम जो है वो 2.5 kg इस्तेमाल करें एक बैग के अंदर, इससे ऊपर ना प्लीज़। वो आप अपने लिए ही कह लेंगे खड्डा खोद रहे हैं और वो परेशानी का सबब बनेगी कल को आपका। अब ये जो क्रैकिंग है ये सॉल्व कैसे करनी है, इन्हें कम से कम 400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए कि, क्योंकि इन्होंने जो रोल इस्तेमाल किए वो बी ग्रेड किए, बी ग्रेड का मतलब मेरा ख्याल है प्राचा के छोटे छोटे हार्ड हो या नहीं हो जो भी है, ये कोई भी नूडल हो, तो अगर वो हार्ड हो तो उसके लिए जो पीजी है प्रोफाइलिंग ग्लाइकोल वो ज़्यादा डालनी पड़ती है, और अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम एक बैग के अंदर ही डालें मार्च तक। मार्च के बाद इसको हाफ कर दें, 150 ग्राम से 200 ग्राम पर रहें, तो अल्लाह ने चार दिन शवाइन की रिपीट जो है सील बेहतर हो जाए। बाकी किसी भी दोस्त का कोई भी मसला हो तो वो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।